इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग, क्योंकि यहाँ पे टाइम हो चुका है 5:45 का और हम दोनों रेडी होके जा रहे हैं सामने वही पार्क में या फिर खाना वगैरह खाने, है ना। खाना खा के आएंगे और इसको ना शॉल लेके देनी, पहले नहीं आता है। नहीं शॉल इसलिए क्योंकि मुझे ना वैसे ठंड पहले लग रही थी, अब ठीक लग रहा फिर भी। और ना पीछे बैक साइड पे कितना सुंदर आ रहा है। हाँ जी, कल रात को इतना ठंडा मौसम नहीं था, या फिर हम गाड़ी में आए नीचे से गर्मी से तब नहीं लगा शायद। और ऊपर थोड़े पहले यहाँ पे कितने मंकी घूम रहे थे ना, भाग गए। उससे पहले इतने सारे लोग बैठे थे, फिर मंकी आए, शायद उनको लगा हो कि कुछ खाने के लिए डाला यहाँ पे, शायद हो सकता है। नींद आ रही है। और ना मुझे आज ये बिंदी लगा के बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने बड़ी वाली थोड़ी सी बड़ी लगाई और ब्लू कलर की मैचिंग मैचिंग है ना, इसलिए तो मैंने आपको ये ब्लू वाली शर्ट। ये वाला अच्छा लग रहा है, नाइट सूट स्टफ अच्छा है इसका ना। थैंक यू। हम जा रहे हैं सामने वाले पार्क में जो फर्स्ट नंबर पे आती है, अभी आपको पता भी लग जाएगा, बिल्कुल हमारा होटल बोल सकते हो आप, होटल बोलो रूम बोलो, हमारा बिल्कुल पास है उस पार्क से। और वहाँ पे हम खाएंगे चना बन, गोलगप्पे, कुछ भी देखते हैं जो अच्छा लगे। और मुझे ना आज क्योंकि मैंने कितने टाइम के बाद ऐसे वाले इयर रिंग्स डाले, मुझे ना ज़्यादातर सिंपल रहना पसंद था, बहुत कम मेकअप, मेकअप तो अभी भी नहीं किया, लिपस्टिक लगाई है, बिंदी लगाई है बस, और आई लाइनर पहले से लगा था। गोलगप्पे खाए या चना बन? चना बन मिलता है, कुलचा देख लेते हैं। ओके चलिए, मैंने आज पोनी बजा, एक तो वैसे भी मैंने सोचा था कि कर लेती हूँ, थोड़े से बाल ना मेरे ऑयली लग रहे हैं। तो ये वाले हेड ना हिमाचल वाले घरों से भी अच्छे लग रहे हैं ना, आप पूरे मेंटेन पता ना? पापा मम्मा के साथ या पूरी फैमिली या सबके साथ आएंगे ना तब रहेंगे यहाँ पे। अभी ना आपके पापा को काम था ना, अगली बार जब भी आएंगे ना तो उनको लेके आएंगे जबरदस्ती, नहीं उन्होंने बोला हम वेट कर लेते ना, तो फिर उन्होंने बोला था हमारी एनिवर्सरी पे चलेंगे, तब तक नहीं बैठा उनका ना। ये लोअर और शर्ट इनको मैंने गिफ्ट की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इनके इनके पैसों से मैं अपने कपड़े खरीद लेती, तो इनकी तरफ से मुझे भी गिफ्ट ही गिफ्ट है वैसे। और सामने लग गया चने कुलचे, वहाँ से खाते हैं, खत्म इस साइड होंगे फिर ना, बोलो इतना यार। बेलपुड़ी बनवाई, शायद बेलपुड़ी है वो बनवाई, 30 की दे दो, मिर्ची का टाइम पे नथा टॉप से भी लोग यहाँ पे आ गए, और वैसे भी शाम के टाइम पे यहाँ पे ठीक है, अभी भी थोड़ी सी धूप है, ये भी थोड़ी थोड़ी देर में कम हो जाएगी। और हम यहाँ पे बनवा रहे हैं बेलपुड़ी जो चाट बनने वाली है हमारी, इसके बाद देखते हैं हम कुछ खाने पीने का। और कोई बात नहीं, दिखाओ इसमें डिप किया और ऐसे। हाँ। ऐसे है ना, एक बार ही पम्मी चलाओगे ना कि कुछ भी खास खाने के लिए यहाँ पे नहीं मिला, अब हम सीधा खाना खाएंगे। ले लिया। हाँ। एलिफेंट बबल गम, एलिफेंट हाँ, इसमें ये लिखा है, मैंने तो ऐसे बोला बबल गम। हाँ, एलिफेंट बबल गम। चलो, और कुछ भी नहीं मिला वैसे ऐसा, बच्चों के लिए भी खाते हैं। हाँ, सुबह का यार सीजन ऑफ है ना, जब सीजन होगा तब यहाँ पे ज्यादा होगा ना। सीजन होता है मई जून का, ठीक है, और सर्दियों में, और सर्दियों में, सर्दियों में आएंगे अगर एक बार, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल से ये सारा कवर होता है। और हटली पेरेंट्स के साथ आए, दोनों फैमिली से इकट्ठी होंगी ना, इतना मजा आएगा ना, गाने वगैरह लगाएंगे, स्पीकर लगाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। बोल रही थी जो पहले टोक दी जब मैं आ रही थी, मुझे ना किसी ने कमेंट किया था कि आप ना मुझे पोनी में ज्यादा अच्छे लगते हो, मुझे नहीं पता कि किसने किया था, लेकिन जिन्होंने भी किया था, मैंने आज जब पोनी की ना, मैंने उनको याद किया कि उन्होंने भी ऐसे बोला था, तो कर ही लेती हूँ ना यार। हमारा रात का डिनर हो चुका है, मतलब खाना हो गया है, थोड़ी देर बाद हम चाय या कॉफी पीने आएंगे। और बस चाय बन कर रखी, लेकिन थोड़ी सी पी लूंगा। हाँ, इन्होंने चाय बंद की है। नहीं, मैं गुस्सा नहीं होऊंगी, आपकी मर्जी है, पर जब से चाय बन गई ना मेरा फिजिकल फिटनेस थोड़ी सी अच्छी लग रही है मेरे को, नहीं तो एसिडिटी बनती थी या फिर तेजाब सा लगता था यार। बट आप एक टाइम पी सकते हो, जैसे मैं भी एक टाइम पीती हूँ सुबह खाने के बाद। सुबह तो मेरे सुबह तो बैड टी जो होती है ना, तो मैंने पी नहीं काफी टाइम से, मेरे को अच्छी नहीं लगती सुबह सुबह, जब तक ब्रश नहीं किया तब तक कुछ भी नहीं। नहीं, खाने के बाद जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मन करता है। हाँ। लेकिन मैं टाल लेता हूं ऐसे कि रहने देता हूं। यहाँ पे कुछ टाइम बैठते हैं फिर तो हम चली जाएंगे अंदर। खुश हो गए ये ऐसा मौसम देख के। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है, हमको तो बहुत एक सुहावना मौसम लग रहा है।
क्या क्या कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएगी जिनके लिए सोचा ही नहीं कर्ज उतारने होंगे। ऐसे अच्छा लग रहा है आपको घूमना? ठंडा ठंडा लग रहा है मुझे। अर्थिंग जरूरी है बॉडी की, जमीन के साथ टच। पर ये तो ठंडा है ना अभी। कहाँ ठंडा है? पानी है, तरेल पड़ी हुई है। तो इसमें घूमने ज्यादा अच्छा होता है, कहते हैं आंखों की लाइट तेज होती है और रात को नींद अच्छी आती है। चलो ये तो मस्त टाइम ही लगता है, लेकिन जब सर्दी शुरू होगी तब भी नहीं घूमा जाएगा ना, गर्मी में घूम सकते हैं। और पीछे देखो मौसम कैसे अच्छा लग रहा है। चल घूम लो थोड़ा सा, मेरे को लग रहा है फिर से भूख लग जाएगी हमें। क्यों घूम घूम के? नहीं अच्छा है, मतलब हम फिर चाय पीने चलेंगे ना। फिर आप मेरे को चाय डेट पे लेके जाना या कॉफी डेट पे? ठीक है चाय कॉफी चलो ठीक है। घर पे बात, और अब हम चले जाएंगे रूम में। इस वीडियो को मैं यही इस वीडियो को यही पेंड नहीं करूंगी, बट रात हो गई और अब गुड नाइट हो चुकी है। हम आपको मिलेंगे सुबह इसी वीडियो में। अभी ना हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, ये भी पी लेंगे। अगर कॉफ़ी मिल गई फिर तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये आराम से कॉफ़ी पी लेंगे, नहीं तो चाय के दो घूंटी पीते हैं। चलिए गाड़ी में चलते हैं, थोड़ी ठंड भी ज़्यादा है और सेफ भी है। ये तो सही, रात को कैसा मौसम हो गया, बस अब चाय पीते हैं। ये तो जैसे अन्नपूर्ण वैष्णो ढाबा तो मेरा जैसे फेवरेट हो गया ना, यहाँ से मुझे चाय भी बहुत अच्छी लगी, दाल भी बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप भी पटनी टॉप आते हो तो यहाँ से आप खाना ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है। ये कमेंट किया है कि इन्होंने मेरा बर्थडे स्पेशल मिला है, मैं कॉफ़ी पी के मेरी चिक्स कैसे रेड हो गई। तो मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल हुआ, ये इन्होंने मेरी विश पूरी कर दी, जो कि मेरे को घूमने का शौक चढ़ा था। तो उससे ज़्यादा और स्पेशल क्या ही करते। मुझे मैंने कोई भी इनसे यही बोला था मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। हाँ मैंने ये बोला था कि जब मैं घर आ जाऊँगी तब हम घूमने चलेंगे, बट मैं इनको मिस कर रही थी अपने बर्थडे पे, अपने स्पेशल डे पे, क्योंकि मेरा पहले से प्लान था कि हम बर्थडे को इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो वो चीज़ थोड़ी चेंज हो गई थी सावन के महीने के कारण, लेकिन मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल गया है, बहुत ही अच्छा गया। आज का दिन और कल का दिन हमने बहुत अच्छे से स्पेंड किया, और अभी मैं पी रही हूँ कॉफ़ी और चलते हैं रूम में नीनी करने। गाइस आज के दिन हमारी घर पे वापसी है, लेकिन जाते जाते हम एक तो मानसर लेक देखेंगे, जो कि उधमपुर से आगे सांबा वाली साइड पे आता। आते टाइम हम जम्मू वाली साइड से आ गए थे ना, लेकिन जाते टाइम हम सांबा वाली साइड से जाएंगे, जहाँ पे हम मानसर लेक देखेंगे। और रोड का हमें पता नहीं कि कैसा होगा, जम्मू वाला रोड तो चलो मेन हाईवे है वो तो अच्छा ही है, और यहाँ पे ना इतना अच्छा मौसम है कि जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन आज जाना पड़ेगा। सच्ची में इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा, इतना ठंडा है ना यहाँ पे, कोई सॉरी यहाँ पे कोई पंखा कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड मतलब आपको शॉल वगैरह वियर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ठंड महसूस होगी। चलिए जैसे एसी वाले रूम में लगता है। क्या हुआ? इनको ना नाशपति दिखी, नाशपति वो नाशपति ना वो है सामने, पहले वो दिखी हमें और आपको दिखाते हैं नाश गब वही बोल हाँ गब्बू बब्बू गोशे। हाँ ये देखो कितने सारे लगे हैं ना, हम तोड़ेंगे नहीं, हम बस दिखा रहे हैं। कितने पेड़ है यार यहाँ? हाँ वो भी है ये यहाँ पे, और ऊपर से अगर हम हिमाचल में होते हैं तो हम रिक्वेस्ट कर लेते। अब यहाँ का पता नहीं है कि इनके घर कहाँ पे गिफ्ट खोले जो हमें गिफ्ट्स मिले हैं। चलो चलो गिफ्ट खोलते हैं। हाँ जी यार ये गिफ्ट दिया है नेहा दीदी ने, और देखो दो गिफ्ट है। आंचल इसकी अनबॉक्सिंग करेगी, उन्होंने बोला था कि मेरे को बताना कि आंचल को गिफ्ट कैसे लगे। तो मैंने कहा इसको ना हम अलग से वीडियो में खोलेंगे, पहले हम घूम फिर रहे थे तो फिर हमने अब इसकी अनबॉक्सिंग करनी शुरू की है। वाओ ये उन्होंने पहले से मंगा के रखा था, परफ्यूम है ना मैजिक पर। खोल के देखे इसको, फ्रेगरेंस चेक करना इसकी। उनको पहले उनको कैसे पता था पहले से, या उन्होंने पहले से लेकर रखा हुआ कि वो जब भी आएंगे तो मैं उनको जरूर दूंगी परफ्यूम है ना। कितना अच्छा है ना, ऐसा लग रहा है ईयरबड्स नहीं होते ऐसा है, ये लगा के देख लेना। ये भी मिंत्रा से है ना, मेरे को लग रहा है उन्होंने पहले से मंगा के रखे हैं कि वो जब भी मिलेंगे तो मैं उनको गिफ्ट दूंगी है ना। हाँ तो मैंने एक दिन पहले बताया था उनको, इतने दिन पहले भी बताया, लेकिन उनको ये था कि जब भी मिलेंगे ना तो मैं दूंगी। ये क्या है? मेकअप किट है, स्लिंग बैग नहीं, मेकअप किट।
देखो किधर है, वाह इसको निकाल के ना इसमें डाल ले। यस यार बहुत सुंदर, देखो ये वाली जो यहाँ पे हम लगाते हैं ना लाली ये क्या है, लिफ्ट एंड कर्ल मस्कारा, और ये दो लिप शेड्स, लिप शेड लिपस्टिक नहीं लिप शेड, हाँ लिपस्टिक लिप शेड्स। परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग भी है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, दोनों गिफ्ट बहुत अच्छे है, बहुत सुंदर है। थैंक यू दी, थैंक यू। और आप लोग भी कमेंट करके बताना। ऊपर से दी ये मैंने नई सच्ची में देखा, ये देखा होता तो मैं तभी रिटर्न कर देती, बट थैंक यू सो मच दी। तो हमने यहाँ से पतीसा लिया है और काफी नाम सुना है इसका दुकान का। थैंक यू भैया, पतीसा बहुत अच्छा लगा आपका। ये कौन से पड़ती है, कुड, ये पुराना कश्मीर वाला रोड है, ठीक है। और ये कुड जगह पड़ती है, जब भी आप पत्नीटॉप जाओगे ना तो यहाँ से पतीसा जरूर टेस्ट करना। ये फेमस दुकान है प्रेम जी की, पतीसा बर्फी की दुकान। और ऊपर देखो इतना अच्छा मौसम हो रखा है, उस दिन वाला थोड़ा अलग था ना। ये नेशनल हाईवे है, पुराना रोड है जो कश्मीर के लिए जाता है, लेकिन यहाँ से ना सिर्फ ट्रक जाते हैं, टैंकर जो है गैस वाले या फिर पेट्रोल डीजल वाले, क्योंकि उनको वहाँ से नेशनल हाईवे जो 4 लेन है वहाँ से टनल लेना, वहाँ पे अलाउड नहीं उनकी एंट्री, तो सारे ट्रक वगैरह इसी साइड से जाते हैं। और इसलिए आंचल अपने पेरेंट्स के साथ पत्नीटॉप बहुत बार आई हुई, क्योंकि जाना आना इसी साइड से होता था, तो आते जाते वहाँ पे रुक जाते थे। तभी मैं सोचूं कि आंचल यहाँ पे इतनी बार क्यों आई है, अगर नीचे से स्पेशल आना था फिर नहीं आते आंचल, है ना। फिर होता कि एक दो बार आ लेते, अच्छा वहाँ पे रोक लेते हैं, 4-5 बजे शुरू करते हैं अगर रात को आप आ रहे हो। हम 3 बजे आए होते थे रात को, मतलब मेरे साथ मामू चाचू होते थे, तो हम सारी सबकी गाड़ी वहीं पे खड़ी रहती थी, फिर 5 बजे हमें कारवा के साथ आते। ओके, कौन वही के साथ कौन वही के साथ कान वही बोलते हैं, कौन वही होता कौन वही। और क्या बोलते हैं, ये रास्ता ना आगे जाके सीधा कश्मीर चला जाता है, तो यहाँ से होते हुए जा सकते हैं कश्मीर के लिए, अगर पत्नीटॉप जाना है। हाँ, कश्मीर श्रीनगर एक ही बात है। ये सारे कमेंट्स अब जाके मैं रीड कर रही हूँ, इतने सारे, मोस्टली सब ने ये बोला कि आप हमारे जम्मू से होके गए, आपको कैसा लगा। आप एक कंचन पर मैं हमारे सब्सक्राइबर, उनका मैसेज आया कि आप अभी जम्मू में ही हो, मेरे को आपसे मिलना है। एक मीनाक्षी शर्मा, उनका मैसेज आया, बहुत सारे मैसेज, अब मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, सब ने जा रही है। अगर किसी को मिलना है, हम नेक्स्ट टाइम आपसे जरूर मिलेंगे। आप प्लीज इंस्टा मैसेज कर रहे हैं, फिर हम आपको बता देंगे कि हम इस डेट को आने वाले हैं और आपसे कहाँ मिलेंगे। और अगर आप लोग हमें जम्मू की स्पेशल स्पेशल जगह बता सकते हो, तो हम उसको विजिट करने के लिए जरूर आएंगे। हमने काफी लोगों से पूछा कि पत्नीटॉप का क्या मीनिंग है, मतलब इसका नाम पत्नीटॉप क्यों पड़ा, तो सब लोगों से यही हुआ कि पहले का नाम है हमें नहीं पता, ये नहीं पता। तो मैंने नेट से सर्च किया, तो उसमें लिखा था कि पतन दा तालाब, मतलब पतन किसी का नाम था, उसका तालाब था, तो इसका नाम चेंज होते होते पत्नीटॉप बन गया। और जो तालाब था ना, प्रिंसेस का तालाब था, रानी का तालाब था कोई, वो पतन दा तालाब। तो कहते हैं कि पुराने टाइम में रानी वहां पे आकर के स्नान किया करते थे, तो इसलिए इस जगह का नाम बना है पत्नीटॉप। मछला है। बड़ी वाली पकड़ो, बड़ी वाली।
अपने हाथ पे रखना, हाथ ऐसे कर। हाँ पहली बार इतनी बड़ी झील देखी है। एक झील और भी है मंडी के पास ऊपर जाके माता नैनी जी के मंदिर से पहले, लेकिन वहाँ पे इतनी फिशेज नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे फिशेज, वहाँ पे भी है हाथ के ऊपर से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फिशेज है। देखो बच्चा कितना मस्त रखे। कौन सी पॉइंट सुना रहे इसको अंजल? अच्छा यहाँ पे है ना, देख कितनी फिश है। वाओ जितना आटा डालेंगे उतनी और आगे आएगी। देखना हाँ, हाथ लगा के देख ले कहीं मगरमच्छ ना आ जाए। देखना ध्यान से, मगरमच्छ भी आता है। हाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई सारी, इतनी भीड़ और कैसे उल्टी होगी। और छोटी सी होगी सीधी। ओए ओए भैया आराम से डाल थोड़ा थोड़ा करके। मजा आ रहा आपको? खालिया था ये झील ना, हम जब भी जाते थे ना घूमने फिरने के लिए तो ये रास्ते में आती थी। मानसर लेक बोलते हैं इसको, लेकिन ये इतना सुंदर है ना, यहाँ पे टर्टल्स वगैरह भी दिखते हैं बहुत ज्यादा। शायद हो सकता है यहाँ पे उनको खाना पीना मिलता ना। चल मेरी फोटो खींचे। लगा मानसर लेक में आकर के, और यहाँ पे ना मछलियों के लिए फीड मिल जाती है, आटा मिल जाता है और खिले पर चार मिल जाती है उनको डालेंगे। कितनी सारी मछली था ना यहाँ पे। चलो चलते वापस। और ना थोड़ी सी गर्मी है यहाँ पे, लेकिन अगर हम सर्दियों के टाइम में आते हैं ना तो यहाँ पे ज़्यादा रौनक होगी। और थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ खिलौने वगैरह देख लेते हैं बच्चे के लिए। कहाँ गई लेना कुछ अंजल? ये क्या है इसमें? ये क्या है? ये क्या है? इससे ही बनते खिलौने? इससे कैसे? ये असली गिटार। ये स्टेथोस्कोप भी लग सकता है ना, किसी में अंदर नहीं। ये टिक है ना? प्लास्टिक है पक्का? हाँ सारी मछली होती है। करूँ यहाँ पे इकट्ठी इनको? नहीं करूँ, आटा लेके आना पड़ेगा। आटा लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ज्यादा। हाँ पहाड़ों के बीच ये सुंदर सी झील बड़ी अच्छी लग रही है। मेरे को लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी झील होगी। मैंने कहा यार ये तो एकदम भाखड़ा वाली झील है ये तो पूरी। हाँ देख अंचल हमें देख के यहाँ पे आ गए। देखना इसको लगा, ये देख हाय कैसे मांग रही है खाने के लिए ना। अब झील तो देख लिया, घर की तरफ चलते, लेकिन मेरा चाय पीने का मन था। मेरे चाय नहीं ली, नहीं ली, पानी ले लो। अंकल जी सांबा के लिए रोड आगे वही निकल जाता नीचे। ये है सांबा सिटी, हम सांबा पहुंच चुके हैं और इससे आगे आएगा चीची माता जी का मंदिर। वहाँ पे पीछे आएगा अंजलो, पीछे आएगा, हम आगे बढ़े। उस मंदिर से रास्ता टर्न होता है। ठीक है ठीक है। हाँ मैंने बोला था मंदिर से जाते हुए हमने इस साइड से जाना था। चलो अच्छा हुआ हमने जम्मू सिटी दोनों चीजें देख ली आते टाइम। हाँ अच्छा रोड था, वो भी लोकेशन अच्छी, बस थोड़ा सा रास्ता खराब था, थोड़ा सा टूटा हुआ था, लेकिन अच्छा था। पहाड़ वाली फील आ रही थी, जाते हुए नहीं इतनी आएगी क्योंकि फोर लेन का काम चल रहा है ना, लेकिन वापसी में उस रास्ते से अच्छा लगा। अभी ना मैं अपनी जो मेरी फ्रेंड थी कॉलेज की फ्रेंड, मैं उससे बात करके हटी हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है। पहले ना दो तीन दिन उसने मुझे बर्थडे पे विश फोन किया, उससे पहले फोन किया, मैंने उसका फोन नहीं उठाया। ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी बिजी लाइफ में सबको पीछे छोड़ दूँ, मतलब किसी से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करी। बट अब जाके मुझे ऐसा हुआ जब मैंने उससे बात की, मुझे ऐसा लगा कि हमारे वो कॉलेज वाले दिन वापस आ गए। तब हम इकट्ठे, हमने जो ट्रेनिंग होती है ना हमारी 6 मंथ की, हमने वो इकट्ठे मतलब लगाई है। तो इन्होंने मेरे को बोला था अब कॉल कर ले, तो मैंने उसको न्यू नंबर, क्योंकि मैंने यहाँ पे न्यू सिम ली है, तो मैंने उसको न्यू नंबर से फोन किया। अभी हमने कठुआ क्रॉस किया, कठुआ में ही है और बहुत अच्छा लगा ये शहर। ऐसा लग रहा है कि पंजाब का बटाला या अमृतसर शहर की तरह, और काफी नीट एंड क्लीन है। अभी यहाँ पे 4 लेन बन चुका है, इस जगह पे 4 लेन का काम नहीं चल रहा, लेकिन जिस जगह 4 लेन का काम चल रहा है वहाँ पे थोड़ा सा रोड खराब है और डस्ट वगैरह से शहर की हालत खराब हो रखी है। तो जो लोग कठुआ से है प्लीज कमेंट करना। पिछली वीडियो में भी आपने कमेंट किया था कि आपने बताया जब आए, तो जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं वो हमें इंस्टा पे मैसेज कर दिया करें डायरेक्ट, तो हम कोशिश करेंगे पूरी कि आपसे हमारा मिलना हो पाए। तो चलिए जी हम लखनपुर के भल्ले खाते हैं चल के। पहले चलो भाई लखनपुर वाले 5 मिनट गड्डी रखो, जिन्हें लड्डू खाने, लड्डू लड्डू भल्ले भुल्ले खाने खा सकते हैं। कहाँ लगाए चल गाड़ी थोड़ा सा आगे और आगे।
ऐसी जैसे वनमाचे मोर। थोड़ी टाइम में हम घर पहुंचने वाले हैं और मैंने मम्मा को वैसे अभी कॉल नहीं किया, पहले कॉल किया था और मम्मा बोलते आ जाओ बस। और हम ना आते टाइम लखनपुर के भल्ले लेके आए हैं, तो वो हम ना कैसे हाफ फ्राई है, तो अभी मम्मा को बोल दिया वैसे तो मैंने कि तेल रख दो, जैसे मैं उनको कॉल करूंगी वो ऑन कर देंगे गैस गर्म करके, फिर उनको फ्राई कर लेंगे, फिर उनको ना गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम फुल फ्राई करके लेके आते ना फिर उसका मजा नहीं आता, वो क्रिस्पी क्रिस्पी नहीं आता, और उसको दोबारा हम गर्म भी नहीं कर सकते तेल में, और साथ में हाफ फ्राई है इसको फुल फ्राई कर जाया कर लेंगे, और साथ में पियेंगे चाय, क्योंकि मुझे चाय पीनी है और इनके लिए कॉफी बनवा दूंगी। अभी हम घर पहुंच चुके हैं और मम्मा ने आज प्रीति दी वाली बेडशीट भी चाहिए, बहुत अच्छी लग रही है। और अभी मैं ना कपड़े चेंज करने वाली हूँ, पहले कंफर्टेबल हो जाएं उसके बाद हम घर के लिए जो भल्ले लेके आए हैं, भल्ले बोलूंगी अब लड्डू नहीं बोलूंगी, अभी वो फ्राई करने लगे मम्मी, उसके बाद वो खाते। तो यहाँ पे हमारे हो चुके, हमने मिर्ची वाले, मेथी प्याज वाले और सिंपल सब तरह के करवाए, साथ में चाय बनी है, इनके लिए मुझे कॉफी बनानी पड़ेगी। क्या ये गर्म लगती हाथ को? नहीं लग रही। विकास को भी देना। मैंने ना इनको एक बाइट दी बस, कहते हैं अब और लेके आ, पहले बोलते हैं मैं नहीं खाऊंगा चावल, इसलिए मैंने कर रहा था, मतलब न, मत देती तो फिर आप मांगते भी नहीं। दोनों का टेस्ट आ रहा है दाल और कड़ी का ना? कड़ी बहुत अच्छी थी। हाँ जी आ गई फुलके भी लगाने लगी मैं नहीं खा रही क्यों ही खा रहा बस चावल ही बस प्लेट से डाल था ये खाने कड़ी नाल दिनी हूँ सिर्फ ठीक है दाल रहने दाल भी मिक्स नहीं लगता ना और टेस्ट भी अच्छा आता है इसमें।